Hello students, so we will continue our discussion on pre-SL JEE Mains question. These three questions belongs to JEE Mains 2019 and I think these questions belongs to the first shift, means the January shift exam. Chaliye discuss karte hain pehla question. The first question kya aapka bol raha hai ki the maximum value of 3 cos theta plus 5 sin theta minus 5 by 6. इसका आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो जब भी आपको साइन और कोस प्लस में लिखी है ना, तो इस टाइप के जब भी आते हैं प्लस या माइनस में है, तब आपका एक जो रेंज वाला लिखवाया हुआ था ना, वो हमेशा स्ट्राइक रहना चाहिए आपको, ठीक है? तो जैसे इसमें क्या आपका साइन और ये कोस है और ये साइन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा उसके लिए क्या होगी. तो देखो, इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. होपफुली ये सबको पता होगा कि अगर आप कैसे हो, a cos theta plus b sin theta, ठीक है, इस सेट में हो, तब आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ये आपका माइनस होता है इस साइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये होती है ना कि क्या मिनिमम वैल्यू. This is the minimum value and this is the maximum value for this kind of a function. अब ये आपको किस तरीके से दिख रहा है? 3 cos theta plus 5 sin theta. ये एक्चुअल में क्या आपका theta के टर्म में आएगा, ठीक है? बट क्या करेंगे, पहले इस पे अप्लाई करेंगे आपका sin a minus b का फॉर्मूला. होपफुली वो सबको पता होगा sin a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करना है बस. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 cos theta plus 5 times साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए फिर कोस आता है. साइन कोस साथ में आता है इसमें. कोस वाले में क्या होता है, आपका कोस कोस साथ में रहता है, साइन साइन साथ में रहता है, बट इसमें साइन कोस साथ में रहेगा. तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका? साइन ए प्लस बी का. और साइन ए माइनस बी का होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. साइन ए कोस बी माइनस ए कोस ए साइन बी, ठीक है? तो पहले क्या आएगा आपका साइन थीटा कोस पाई बाय सिक्स. नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे, इस बार चेंज हो जाएगा साइन और कोस चेंज हो जाएगा. अब इस क्या आएगा, कोस के साथ थीटा आएगा और साइन के साथ पाई बाय सिक्स आएगा. ये आपका पूरा ओवरऑल फंक्शन है. तो अब देखो इसको लिखेंगे अपन तो क्या बनेगा, 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, साथ में इनका वैल्यू भी पुट कर दो. कोस पाई बाय सिक्स का और साइन पाई बाय सिक्स का वैल्यू आपको पता है, ठीक है? पुट कर दे देखो, तो 5 साइन थीटा cos pi by 6 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई, ठीक है, रूट थ्री बाई माइनस 5 टाइम्स cos थीटा और sin pi by 6 का वैल्यू होता है 1/2. तो ये आपका 1/2 आ गया. अब क्या करना है आपको, sin वाले को एक साथ रख लो, cos वाले को एक साथ रखो. अब देखो cos का क्या है, 3 टाइम्स cos है और ये 5/2 cos थीटा है. 3 और वो क्या है 5/2, 5/2 मींस 2.5, दैट मींस आपका cos कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा. ये देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हाफ cos थीटा हो गया, और ये कितना रह जाएगा आपका प्लस 5√3/2 sin थीटा हो जाएगा. अब इस फॉर्मेट को, मतलब ये जो फॉर्म आई है, क्या वो इस टाइप की फॉर्म में है? a का वैल्यू क्या आपका 1/2 है और b का वैल्यू क्या है 5√3/2 है. तो यहां से आप ये बता सकते हो कि a आपका 1/2 है और b आपका 5√3/2 है. ये आपका हो गया ए और बी का वैल्यू. अब आपसे पूछा उसने कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये तो मिनिमम आता है नेगेटिव के साथ, मैक्सिमम किसके साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सिंपली. तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/4 प्लस, देखो 5√3 है, इसका स्क्वायर करोगे 5 स्क्वायर 25, 25 × 3 75/4 बन जाएगा. अब देखो एलसीएम 4 रहेगा तो 76/4 वो होता आपका 19, तो अंडर रूट 19 इसका आंसर होगा. ये आपका आंसर होगा. सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 19 विल बी द आंसर. सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. काफी इजी क्वेश्चन था, बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए. आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन से उनको फाइंड आउट कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, सेकेंड वाला. देखिए क्या दिया हुआ है कि कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मींस यहां पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ही जाना है, ठीक है,
ऑफ इनवर्स फंक्शन, एक इनवर्स फंक्शन आपको दे रखा है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू होपफुली आप लोगों को पता होगी, जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हो तो अपन क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपका किस टाइप से रहता है, पीरियडिक फंक्शंस होते हैं ना, तो इनवर्स को आप इनवर्स पीरियडिक फंक्शन इनवर्स नहीं बन सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनवर्स के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए और वन वन होना चाहिए, दैट मींस बाइजेक्टिव होना मस्ट है, तो वो पीरियडिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव बनेगा नहीं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, बिकॉज पीरियडिक क्या होता है, एनी वन टाइप में होता है आपका, तो उसको अपन क्या करते हैं, एक डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में ही आप ग्राफ बनाइए, तो वहां पे आपका जो ग्राफ बनता है वो वन वन बनता है, ठीक है, आपका साइन फंक्शन कॉस फंक्शन सारे के सारे ऑन टू फंक्शन रहेंगे आपके, ठीक है। बट इनमें क्या दिक्कत आती है, जब इनवर्स फंक्शन बनाते हैं अपन, मेनी वन होते हैं ये, उनको किस क्या बनाना होता है, वन वन बनाना होता है। क्यों? बिकॉज इनवर्स की कंडीशन है कि फंक्शन आपका वन वन होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो ग्राफ उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और वो जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन वही अपना क्या आता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है, तो इसलिए वो पूछा है उसने। चलिए बनाते हैं, देखो कौन सा फंक्शन आपका इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, टेन इनवर्स गिवन आपको, किस तरीके से एक सेट ए दे रखा आपको, उसमें आपको क्या वैल्यू लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इसको रीड करना सीखो। ये आपका क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस इस सेट में वही वैल्यू रहेंगे जो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है या फिर जीरो भी है, ठीक है, जीरो या फिर उससे बड़ी वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी है, बाकी कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है। किस तरीके से, कि एक आपको कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन से जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो उन वैल्यू में से आपको कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, तब आपको बताना है कि इस सेट में उस तरीके की कितनी वैल्यू आएंगी, वेदर दिस सेट इज सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन मींस एक ही एलिमेंट होगा, दैट मींस क्या हुआ, एक्स की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस पूरी कंडीशन को, ठीक है, इस पूरी कंडीशन को, दो वैल्यू होगी, दो से ज्यादा होगा या फिर कोई भी वैल्यू नहीं होगा, एम्प्टी सेट मींस कोई भी वैल्यू नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले आप सेट, अपने को जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सेट में ही गिवन है, सबसे पहले इसको नोटिस कर लो, एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। सेकंड थिंग आपको गिवन है ये, तो इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल्स टू आपका है पाई बाई फोर। अब देखो इस पे अप्लाई क्या कर पाओगे, इसके लिए पहले रीड करना पड़ेगा आपको। अब रीड कैसे करोगे, इसके लिए देखो एक फॉर्मूला देख रखा होगा आप लोगों ने, क्या फॉर्मूला था वो, कि अगर इस तरीके से आपको देखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, उसका फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स a प्लस b अपॉन वन माइनस ab, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो आपका tan a प्लस b का होता है, tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, तो इसमें इनवर्स है, तो इनवर्स है इसलिए क्या है वो tan इनवर्स में चला गया आपका a प्लस b अपॉन वन माइनस ab, ठीक है, ये सब चीजें डेराइव करते हैं तब अपन अच्छे से बताते हैं, अभी के लिए बस याद करो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ये होता है, ठीक है, होपफुली आपको पता भी होगा। अब क्या करना है आपको, ये वाला वैल्यू आपका इस साइड जो दिख रहा है वो आपका क्या है, ये है, दैट मींस आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं ये, बिकॉज यहाँ पे एडिशन मेरा पाई बाई फोर की इक्वल है और यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग कुछ पाई बाई फोर की इक्वल आएगा, और पाई बाई फोर मेरा क्या होता है, tan पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, ठीक है ना, tan पाई बाई फोर का वैल्यू वन है, दैट मींस पाई बाई फोर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स वन लिख सकता हूँ, ठीक है, देखते हैं कैसे लिखते हैं, देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स a प्लस बी दैट मीन्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स और थ्री एक्स, ये आएगा आपका इक्वल टू पाई बाई फोर है। चलिए आगे देखिए, अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा टेन इनवर्स फाइव एक्स बाई वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई फोर। अब ध्यान से देखना आप लोग, tan इनवर्स को आप चाहो तो इधर लेके आ जाओ या फिर पाई बाई फोर की जगह क्या लिख दो, tan इनवर्स वन, क्यों लिख दो, बिकॉज tan पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ऐसे होता है ना आपका, tan पाई बाई फोर क्या वन है, तो आपको पाई बाई फोर किसके इक्वल मिलेगा, tan इनवर्स वन के इक्वल,
ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ ऐसे समझो, तो पाई बाय फोर इक्वल टू टेन इनवर्स वन, तो यहाँ पे पाई बाय फोर किसका टेन इनवर्स वन लिख दो, या फिर इस टेन इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा फाइव एक्स बाई वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। समझना है आपको तो कैसे भी समझ सकते हो, तो टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है वन होता है, टेन पाई बाई फोर किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो फाइव एक्स ओवर वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, अब सिंपली क्या कर दो ट्रांसफॉर्म कर दो, फाइव एक्स इक्वल टू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और यहां से फिर से आप क्या कर दो रिशफल कर दो, दिस विल बिकम सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है ना, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स एंड ये आपका बन जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। अब देखो इसको आपको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस सिक्स आए, ऐड करने पे प्लस फाइव एक्स आए, तो देखो क्या क्या बनेगा आपका सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करना मेरे को तो प्लस लिखे जाना है, तो प्लस सिक्स एक्स कर देता हूं, माइनस एक्स कर देता हूं, माइनस वन कर देता हूं, इक्वल टू जीरो हो गया आपका। तो यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा आपका, सिक्स एक्स कॉमन आएगा तो आपका बन जाएगा एक्स बनेगा ये x प्लस वन बन जाएगा, ठीक है, x प्लस ही वन बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका माइनस वन कॉमन लेने पे आपका क्या बनेगा x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको दो मिल गए, क्या एक आपका x प्लस वन बन गया और एक आपका सिक्स एक्स माइनस ही वन बन गया, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या क्या वैल्यू मिलेगा आपको, एक एक्स की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव वन और एक एक्स की वैल्यू मिलेगी वन बाई सिक्स, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है, आप देख रहे हो कि ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आप नेगेटिव वैल्यू तो कंसिडर ही नहीं कर सकते, दैट मींस कौन सा रिजेक्ट हो गया ये वाला, तो रिजेक्ट हो गया, कौन सा एक्सेप्ट होगा ये वाला एक्सेप्ट होगा। एक्स इक्वल्स टू वन बाई सिक्स है, वही एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी एक्सेप्ट होगी, तो कितनी वैल्यू ऐसे एक्स की आ रही है जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा जो ए में एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी तो आंसर क्या होगा सिंगलेटन सेट, ठीक है, इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करे इसलिए वो सिंगलेटन बन गया आपका। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लोज फॉर्म ऑफ ए क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है क्लोज नहीं है, एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज 25 मीटर अबव ए लेक बी 30 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन आपको, ठीक है, कितना 30 डिग्री, कहां से एक पॉइंट पी है वहां से, और वो पॉइंट कितना है 25 मीटर अबव है किससे लेक से, तो ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए पहले इरेज करते हैं इसको, एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई आपके सामने कि P पॉइंट है वो लेक से 25 मीटर अबाव है, ठीक है, और वहां से आप जब क्लाउड को देख रहे हो तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो सबसे पहले एक लेक बनाते हैं, ठीक है, लेट से ये आपका एक लेक, ठीक है, इसमें ऐसे पानी होगा, लेट से यहां तक पानी, चलिए तो ये आपका लेक का क्या है सरफेस है, यहां से एक बोला है कि उसमें P पॉइंट है वो आपका 25 मीटर अबव है, लेट्स सी ये आपका पॉइंट P है, लेट्स सी ये आपका यहां पे है, तो ये कैपिटल P है, ये 25 पे कितना दिया हुआ है मीटर दिया हुआ है, तो मीटर है, ठीक है, लेक के सरफेस से 25 मीटर अबव है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है क्लाउड्स का, तो लेट्स सी आपका क्लाउड है यहां कहीं है, ठीक है, ये आपका क्लाउड मान लेते हैं, तो ये पॉइंट मान लो, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है ज्वाइन करना है इसको, ठीक है, ये आपका ज्वाइन हो गया, और लेट से जो क्लाउड की हाइट है लेक से वो आपकी मान लेते हैं हम एच, गिवन नहीं है तो एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक इज एच, ये अपने अज्यूम कर ली, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेना है, ये क्लाउड है इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा नीचे की तरफ आएगा, लेट से वो आपका यहां कहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो। अब मेरे को ये बताओ कि जो सरफेस है अगर ये एच है तो ये भी क्या रहेगा एच ही रहेगा, यहां तक रहेगा ना, बिकॉज हाइट जो
एक्चुअल जो उसकी हाइट है वो भी किस तरीके से बिहेव करेगा आपका जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज की तरह, तो रिफ्लेक्शन आपका ऐसे आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ क्लाउड इन द लेक, अभी भी पॉइंट पी से ही इसका डिप्रेशन बोल रहा है, कितना 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो पहले इसको मार्क करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा एंगल गिवन है। तो इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये मेरा देखो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। सेकेंड इंफॉर्मेशन बोल रहा है पी से जो डिप्रेशन है डिफ्लेक्शन का वो आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है आपका, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हाइट ऑफ द क्लाउड अपन ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज, मीटर में हाइट पूछी है तो आपको हाइट निकालनी है। तो आप क्या करते हैं, फटाफट ज्वाइन कर देते हैं, देखो पॉइंट को क्या क्या ज्वाइन कर दें, लेट से p हो गया, ये आपका q हो गया, लेट से ये आपका r है और लेट से ये आपका s है। ठीक है, और देखो इस पॉइंट की जरूरत में भी जरूरत पड़े अपने को, तो इसको T मान लेते हैं और इसको U मान लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इतने ही पॉइंट्स की जरूरत होगी शायद। अब वन बाई वन करके देखते हैं, देखो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट क्या रहता है इसमें, सीधे ही सोचो 10 की तरफ। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। तो पहले ट्राइंगल उठा लो, देखो जैसे पी क्यू आर उठा लो, तो ट्राइंगल पी क्यू आर को जब ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, आरक्यू दिखेगा। आरक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 25 है, तो इधर भी 25 ही होगा। तो ये मैं बता सकता हूं किसके टर्म में, एच के टर्म में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, एच माइनस 25 होगी, एच माइनस 25 पे मीटर होगी। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू एच माइनस 25 बाई क्या आएगा आपका, ये आ गया यहां से यहां तक आएगा PQ, तो ये PQ, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व कर देते हैं, tan 30 का वैल्यू लिख देते हैं, तो PQ इक्वल्स टू क्या आएगा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 दैट मींस √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो PQ इक्वल्स टू क्या आएगा, √3 टाइम्स h माइनस 25। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। नाउ और क्या है, एंगल आपको 60 गिवन है, तो आप ट्राइंगल कौन सा ऑब्जर्व कर लो, ट्राइंगल पी क्यू एस, उसमें आपको टेन 60 निकालना है। अब देखो इसमें आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर कितना रहेगा आपका, ये 25 तो रहेगा ही रहेगा और ये एच भी रहेगा, दैट मीन्स इस बार क्या रहेगा, एच प्लस 25 रहेगा, एच प्लस 25 बाई स्टिल पी क्यू है, पी क्यू अपने को देखो पी क्यू की नीड नहीं है अपने को, पी क्यू को एक्चुअल में अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, बिकॉज ये अपने लिए अननेसेसरी क्वांटिटी है, तो PQ को एलिमिनेट करेंगे, तो यहां से PQ के टर्म में क्या लिखोगे आप, PQ इक्वल्स टू टेन 60 होता है √3, दैट मींस PQ इधर जाएगा तो √3 इसकी जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H प्लस 25 बाई √3, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब 1 और 2 से देखो PQ इक्वल्स टू है, दोनों में ही PQ इक्वल्स टू है, दैट मींस जो राइट हैंड साइड है वो मेरी क्या होगी, इक्वेशन 1 और 2 से आप बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो बताओ राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी, √3 टाइम्स h माइनस 25 इक्वल्स टू h प्लस 25 बाय √3 होगा। अब तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3, तो उससे मैं लिख सकता हूं 3h माइनस 75, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3h माइनस 75 इक्वल्स टू h प्लस 25। अब देखो इस h को इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव का बनेगा तो 2s आएगा, और इसको इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 25 प्लस 75 होता आपका 100। अब h का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा आपको, 50 मीटर मिलेगा। आपको फाइंड आउट क्या करना था, h ही फाइंड आउट करना था, दैट मींस आपने इक्वेशन अपना बना दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, h इक्वल्स टू 50 मीटर, तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने थे, ये तीनों के तीनों काफी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं जेएनएच में, तो अगर आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस बना सकते हो।